हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुला पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 2। इंग्लिश की वर्कशीट है क्लास 8 के लिए। बच्चे यहाँ आप अपना नाम लिखिएगा और यहाँ पे अपने क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर का नाम, ये इसको ठीक कर लीजिएगा। टॉपिक है, पोयम है आज की द आंट एंड द क्रिकेट। इनके बीच की बहुत ही अच्छी पोयम है। देखिए लास्ट वर्कशीट में आपने क्या पढ़ा था, अबाउट अ हार्ड वर्किंग आंट। एक आंट है जो कि बहुत मेहनत करती है, केयरलेस क्रिकेट है। क्रिकेट आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये बहुत ही केयरलेस है। और नाउ थिंक ऑफ सम फैमिली मेंबर, अपने फैमिली मेंबर या फ्रेंड के बारे में सोचना है, उनकी यहाँ पे कुछ क्वालिटी दी हुई है और नाम बताना है आपको। राइट हिज और हर नेम इन द ब्लैंक एंड रिलेशनशिप विद, आपका क्या उनसे रिलेशनशिप है। तो हार्ड वर्किंग कौन है उनका यहाँ पे आप नाम बताएंगे। मान लीजिए आपके फादर ही हैं, तो फादर का नाम क्या है यहाँ पे आप लिखेंगे। टाइम के पंक्चुअल, पंक्चुअल आपका फ्रेंड है मानते हैं, आप उनका यहाँ पे नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल राजन फ्रेंड हो सकता है ना। एनर्जेटिक, जिसमें एनर्जी होती हो, तो मदर ही है ना, तो एनर्जेटिक मदर है, वहां यहाँ पे आप अपनी मदर का नाम लिखेंगे। हेल्पफुल भाई या बहन होते हैं, या कोई भी जो भी है वो यहाँ आप रिलेशन लिखेंगे और यहाँ उनका नाम लिखेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? नाउ लेट्स रीड द रिमेनिंग पोएम। डू यू थिंक कि आंट ने क्रिकेट की हेल्प की होगी? तो स्टैंजा 1 और 2 पिछली वर्कशीट में था, 3, 4, 5 इसमें है। सेज द आंट टू क्रिकेट, आंट क्रिकेट को कहती है, आई एम योर सर्वेंट, मैं सर्वेंट हूं एंड फ्रेंड हूं, बट वी आंट्स नेवर बोरो। भाई मैं आपकी सेवक हूं, दोस्त हूं, लेकिन जो हम चींटियों का रूल है ना, हम ना तो उधार लेती हैं एंड नेवर लैंड, ना ही उधार देती हैं। बोरो का अपोजिट लैंड दिख रहा है ना, अपोजिट वर्ड भी बन रहा है। बट टेल मी डियर क्रिकेट, मुझे एक बात बताओ, डिड यू लेन नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब वार्म वेदर था, मौसम अच्छा था, गर्म मौसम था, तो क्या तुमने कुछ भी नहीं रखा अपने लिए? तो क्रिकेट ने कहा, नहीं नहीं मैंने कुछ भी अपने लिए नहीं रखा, खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं किया, क्योंकि विंटर आ रही है ना, तो विंटर में तो आप लोगों ने देखा होगा सब दिखते नहीं है। स्टैंजा 4 में क्या है, माय हार्ट वाज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, मतलब मेरा दिल इतना लाइट था कि मैं दिन और रात गाता ही रहता था। कौन? क्रिकेट। मैं दिन और रात गाता रहता था, ठीक है। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, और जो सारा नेचर मुझे नजर आता था, अच्छा नेचर था, उसको देख देख के मैं सारा दिन गाता रहता था, खुश रहता था। यू सैंग सर, यू से, तुम कह रहे हो कि तुम गाते थे। देन गो देन सेज द आंट, आंट ने कहा तो फिर जाओ। डांस द विंटर अवे, ठीक है, डांस द विंटर अवे, मतलब तब तुम गाते थे, अब नाचो और विंटर चली जाएगी। इसी तरह से कोई दिक्कत नहीं, जब तब गाते थे तो अब नाच लो, है ना। तो स्टैंजा 5 में क्या, दस एंडिंग ही हैस्टली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटल क्रिकेट। तो उसने क्या किया, जल्दी ही एंट ने एक विकेट उठाया और किसको, क्रिकेट को बाहर निकाल दिया। फॉक्स कॉल दिस फेबल, जो ये कहानी के रूप में क्या कहा जाता है, आई विल, दिस इज अ फेबल, आई विल वारंट इट्स ट्रू। यस भाई ये कहानी तो है लेकिन इसमें सत्य भी है, और ये सत्य है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, कुछ क्रिकेट्स के 4 legs होते हैं और किसके 2 होते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? ये कहने का मतलब ये है कि ये हमें ये सीख देती है पोएम कि जो लोग जीवन में आलस करते हैं वो बहुत ही, कई बार बहुत उनको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि जरूरत के समय पे उनके पास वो चीज नहीं होती जो उन्हें टाइम पे रखनी चाहिए। तो आलस नहीं करना है बच्चों। चलिए क्वेश्चन करते हैं सेकंड। हु सेड द फॉलोइंग लाइंस, आंट या क्रिकेट, हमें बताना है। राइट योर आंसर इन द ब्लैंक, यहां दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको लिखना है।
माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट। ये किसने कहा था बताइए? यस, आपने सही पहचाना, ये क्रिकेट ने कहा था। ठीक है, क्रिकेट ये मैच का नाम नहीं है, ये कीड़े इसका नाम है, ठीक है, इंसेक्ट का। डिड यू ले नथिंग, तुमने कुछ भी नहीं रखा। व्हेन द विंड वेदर वाज वार्म द वेदर अच्छा था, तो ये किसने कहा था? ये तो एंट ने कहा था। नाउ गो देन एंड डांस विंटर अवे, नाचो और विंटर को भगाओ ऐसे ही। ये किसने कहा? ये भी एंट ने कहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू फॉर्म द समरी ऑफ पोएम। पोएम की समरी को बनाने के लिए आपको इन सेंटेंस को अरेंज करना है। ठीक है, पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, बॉक्स में लिखना है। पहला इन्होंने लिख रखा है, तो चलिए शुरू पढ़ते हैं। द क्रिकेट सैंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ समर एंड स्प्रिंग। मंथ जो स्प्रिंग और समर का मौसम होता है, गर्मी का स्प्रिंग का, उसमें क्रिकेट बहुत गाते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या हो सकता है? एंड रिफ्यूज टू हेल्प हिम, ये तो बाद में ही आया था। इन द विंटर ही वाज स्टार्विंग, देखो गर्मी में तो गाया खूब, लेकिन विंटर में उसको भूख लगने लगी, इसलिए वो एंड के पास गया। तो सेकंड आपका ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, उसके बाद देखते हैं, पढ़ते हैं अगला। द क्रिकेट रिप्लाइड दैट ही एंजॉयड समर, उसने कहा कि मैं समर का रिप्लाई कर एंजॉय कर रहा था। आंट ने क्रिकेट को कहा इफ यू हैड स्टोर्ड फूड, क्या उसने फूड स्टोर किया है? ये भी नहीं आएगा, इससे पहले ये भी पढ़ लेते हैं। रिक्वेस्टेड आंट, देखिए उसने आंट के पास गया, यहाँ लिखा ना आंट के पास गया, फिर उसके बाद क्या, उसने आंट से रिक्वेस्ट की कि कुछ दे दो खाना और रहने को जगह दे दो, तो ये थर्ड पॉइंट होगा। ठीक है, आंट ने पूछा क्या तुमने कुछ भी स्टोर नहीं किया, इसका मतलब चौथा नंबर ये होगा। ठीक है, तो क्रिकेट ने कहा कि वो तो एंजॉय कर रहा था समर में, कुछ नहीं बचाया, तो पांचवा ये होगा। लास्ट छठा ये होगा कि आंट ने उसे देने से मना कर दिया और भगा दिया वहां से। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द लास्ट लाइन। लास्ट लाइन थी ना सम क्रिकेट में, कुछ क्रिकेट के चार लेग होते हैं और कुछ के दो, तो चलिए तीनों ऑप्शन पढ़ते हैं। देयर आर सम क्रिकेट दैट हैव टू लेग्स, क्रिकेट के दो लेग्स होते हैं, इंसेक्ट्स के फोर लेग्स होते हैं। नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। सम पीपल आर लाइक क्रिकेट, ये तुलना कर रहा था कि कुछ लोग जो है क्रिकेट की तरह होते हैं, जो कि लेजी होते हैं और वो फ्यूचर की परवाह नहीं करते, तो यानी इसका आंसर सी होगा। ठीक है बच्चों, अब आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसमें दो इंसेक्ट्स के बारे में बात की गई है, वो दो इंसेक्ट्स के नाम क्या है, वो कौन है। ठीक है, कमेंट जरूर करना है, साथ में शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।